बीज के संबंध में पूरे देश में मध्य प्रदेश में कंज्यूमर फोरम में सबसे ज़्यादा नकली बीज के जो केसेस हैं वो दर्ज हैं। मतलब मध्य प्रदेश एक तरह से नकली बीजों के लिए सबसे बड़ा हब बना हुआ है। कि बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात थी, मैं एक रेबेल टाइप का ऑफिसर था, इसलिए मध्य प्रदेश के करीबन 12-13 ज़िलों में मुझे रहने का अवसर मिला और मैंने ये चीज़ देखी कि सिस्टम जिस ढंग से काम कर रहा है, पिछले कई वर्षों से ये बात मेरे मन में थी कि सिस्टम आम आदमी के लिए है, जनता के लिए है, जनसाधारण के लिए है, लेकिन सिस्टम धीरे धीरे इस तरह से तब्दील हो रहा है कि वो केवल जो मजबूत लोग हैं वो उनके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और बहुत सारे ज़िलों में पदस्थापना के दौरान मैंने ये बात देखी कि गाँव में आज भी जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और जो मूलभूत समस्याएं हैं, हम यदि किसी देश के नागरिक हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी मूलभूत हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, लोगों के लिए रोजगार है, लेकिन इन सारे बिंदुओं पर धीरे धीरे सिस्टम जो है वो पूरी तरह समाप्त होता जा रहा है और सरकार के पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। हमें लगता है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन आप देखेंगे अगर बारीकी से कि पूरा ध्यान, सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन जनरली उनका पूरा ध्यान जो है वो केवल वोट लेने या फिर अपनी सत्ता को मजबूत करने में और एक तरह से एक इवेंट की राजनीति करने में ही पूरा समय बीत रहा है। और इसके कारण जो है आम जनता बहुत सफ़र कर रही है। हम आप लोग अभी भोपाल में रह रहे हैं, पर भोपाल से आप लोग बहुत से लोग बाहर भी जाते होंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश हमारा एक तरह से कहा जाएगा कि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं और उसका मेन कारण यह है कि आज भी 2021-22 के साल की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो 55% रोजगार है वो कृषि के क्षेत्र से ही है। और इसके बाद भी आप देखें कि कृषि की जो दुर्दशा है, किसानों को जो तकलीफ है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे हम बीज की बात करें, बीज के संबंध में पूरे देश में मध्य प्रदेश में कंज्यूमर फोरम में सबसे ज़्यादा नकली बीज के जो केसेस हैं वो दर्ज हैं। मतलब मध्य प्रदेश एक तरह से नकली बीजों के लिए सबसे बड़ा हब बना हुआ है। यही हाल उर्वरकों का है। उर्वरक में लोग जो है या तो संगमरमर का चूरा या ये फ्लाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।